तो यहां से अगर हम मैक्सिमम करंट के लिए देखें, फॉर मैक्सिमम करंट आपके पास वोल्टेज क्रॉस द रेजिस्टेंस रेजिस्टर क्या होगा? सो फॉर मैक्सिमम अगर आप देखें, फॉर मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, सो फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट हमारे पास कितना है? वो 100 मिली एम्पियर है। सो फॉर मैक्सिमम करंट अगर आप देखें तो वो क्या हो जाएगा, वी आर इज बेसिकली इक्वल टू 100 मिली एम्पियर है बेसिकली टाइम्स 220। तो अगर आप इसको टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 22। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक दो क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख लीजिए, या मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व करें। आपके पास अब देखें जो विजिट की वैल्यू थी वो क्या है बेसिकली, जो वी एन मैक्सिमम अगर हम फाइंड करें, जिस तरह वी एन मिनिमम हमारे पास 10.005 आया है, तो ये वी एन वोल्टेज पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि तो हमारा हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ताकि हम इनपुट की वेरिएशन को देखें कि कितनी वेरिएशन हो तो तब ये सर रेगुलेटर काम कर सकता है। तो जो वी एन मैक्सिमम है, ये पर्टिकुलर डायोड जो है, ये क्या बन जाएगा, ये 22 वोल्ट है आपके पास मैक्सिमम करंट के हिसाब से, और जो आपके पास नॉर्मल वैल्यू थी, जो वीजेड की वैल्यू थी, वो क्या है, वो 10 है। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो क्या है, 32। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसके दरमियान जब भी कोई वोल्टेज वेरिएट करेगा 10.05 से 32 तक, तो ये सर रेगुलेशन का काम करेगा। अब 32 वोल्ट से अगर ऊपर होगा और या 10.005 से कम होगा, तो फिर इसके लिए रेगुलेशन में इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन इसमें ये एक्यूरेटली काम कर सकता है। और ये भी हम देख सकते हैं कि अगर IZK की मिनिमम और IZM की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमने VI करेक्टरिस्टिक कर्व जो देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे आपने इसको देखा होगा, मेरे पास शायद बुक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वी आर है, ये IZK है मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है, ये IZM है, ठीक है। तो आपने इसी के क्रॉस वी आर फाइंड किया, और इसी के क्रॉस आपने IZM के क्रॉस आपने वी आर की वैल्यू फाइंड की, और फिर आपने क्या किया कि इनको फाइंड करने के बाद आपने वी एन की जो मिनिमम वैल्यू आपने निकाल ली, और यहाँ से आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, जिसको हम ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, इसमें ये ऑपरेट करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये वैल्यूज जो है IZK के आपको नॉर्मली डेटा शीट से मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू किसी भी डायोड की जो है वो वैल्यू गिवन होती है। एनी क्वेश्चन? इसमें कोई चीज समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। अभी जो है जैन मेरे कि आज असाइनमेंट अपलोड होगा, और फ्राइडे को क्विज है, और क्विज जो है चैप्टर नंबर 3 से क्विज होगा, तो आप फ्राइडे को तैयार रहे क्विज के लिए। असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, असाइनमेंट आप लोग मंडे तक जमा कराए, अपलोड करें LMS पोर्टल के ऊपर, ठीक है। इतना काफी था आज के लिए, आगे एक क्विक टॉपिक कवर करूँ।
मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैंने फ्राइडे यस सर। को क्विज है, आप समझ गए? ठीक जी सर है, काफी है इतना सर। और असाइनमेंट मैं आज अपलोड करूंगा, असाइनमेंट आप लोग बेशक मंडे को जमा कराए, ठीक है? अच्छा, ओके सर नो इशू। इतना काफी है आगे कोई टॉपिक कवर करूं? सर 10 बजे हमारी क्लास है सर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सही, ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।